Hello everyone watching this video, I am Naveen. Today in this video we are going to learn some very common and important phrases which are very important for exams also, and you can find them in your grammar book, somewhere else in some other books also. So let's begin. You can write these phrases in a notebook so that you can revise them later on, you can learn them completely. So let's begin. The first phrase is Achilles heel. This means a weak point. किसी ना किसी का कोई कमज़ोर पहलू रहता है, weakness रहती है, तो वो उसके लिए एक Achilles heel है. इससे related एक जो है myth है, एक रहस्य है कि जो है ग्रीक हिस्ट्री में एक प्रिंस था, Achilles उसका नाम था, है ना. तो उसकी जो एज थी, है ना, वो बहुत ही कम थी, है ना. उसकी डेथ जल्दी होनी थी. उसकी मदर को ऐसा जो रियलाइज हुआ, तो उसकी मदर ने क्या हुआ, एक मैजिक वाटर था, पॉन्ड, एक रिवर थी, तो उसमें उसको जो है डाल दिया उसे कि उससे उसकी बॉडी है स्ट्रांग हो जाएगी, है ना, कोई उसे मार नहीं पाएगा. तो क्या किया कि उसने, उसकी मदर ने उस एकली को उल्टा लटका दिया, उल्टा उस पानी में लटकाया. उसका जो पैर था ऊपर का एक, वो उसने ऊपर ही रख लिया पकड़ के, है ना, वो नीचे डूब नहीं जाए पकड़ के रख लिया. तो उसकी जो हील थी, एड़ी थी, उस पर जो है पानी न पड़ने की वजह से वो कमज़ोर रह गई. तो इसी वजह से ये जो फ्रेज बनी है कि एकलीज जो नाम था उसका, प्रिंस का, उसकी जो हील थी वो कमज़ोर रह गई. तो सभी लोग जब उसकी वीकनेस का पता चला तो उसी पर फिर अटैक करते, उसे परेशान करते, है ना, वही उसका डेथ का कारण बना. और भी ये कंप्लीट नहीं दिया गया है, तो इसी वजह से जो फ्रेज बनी है एकलीज हील, कि एकली की जो हील थी वो बहुत ही वीक रह गई थी, तो इसी वजह से फ्रेज बन गई अ वीक पॉइंट, है ना. किसी न किसी की वीकनेस रहती है, वीक पॉइंट रहता है, तो उसके लिए वो क्या है, एकलीज हील है, कमज़ोर पहलू है उसका. नेक्स्ट, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन. अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ माइजर पर्सन, बहुत ही कंजूस व्यक्ति है कोई, तो वो जो है क्लोज फिस्टेड पर्सन है. स्टिंजी भी बोल देते हैं, है ना, बहुत कंजूस होते हैं, भूख लगी है फिर भी नहीं खा पी रहे हैं, किसी ने कहा अरे यार अकेले अकेले खा रहे हो, मैं भी खिला दो, लेकिन वो खिलाता नहीं है, नहीं यार मैं थोड़ी सी ले गया था, ये है, एक्सक्यूजेज, बहाने देने लगते हैं, है ना. तो वॉट टाइप ऑफ पीपल दे आर अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, वो एक क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है. नेक्स्ट, बैक द रॉन्ग हॉर्स. एक रॉन्ग हॉर्स, कोई गलत जो है हॉर्स है, उसको सपोर्ट करना, अर्थ इसका अर्थ है टू सपोर्ट रॉन्ग पर्सन. अगर कोई रॉन्ग पर्सन है, गलत व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, गलत पार्टी है, गलत कोई नियम है, रूल है, उसको सपोर्ट करना, इसे हम सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स. हम गलत व्यक्ति को, गलत पार्टी को, गलत नियम को, रूल को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू इट. नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है द रूट कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़. कहीं भी कोई झगड़ा होता है, कोई इश्यू होता है, कुछ दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, तो वहाँ उसका कोई ना कोई रूट कॉज होता है. तो उसी रूट कॉज के लिए जो फ्रेज है वो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, है ना. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झगड़े की जड़ रहती है. नेक्स्ट, डेविल्स एडवोकेट. डेविल्स एडवोकेट होता है हु सपोर्ट्स रॉन्ग पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो गलत व्यक्ति को सपोर्ट करता है, उसे हम बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट. डेविल का आपको पता ही है, डेविल कौन होता है, डीमन, राक्षस, बुराई. तो जो बुराई को सपोर्ट करता है, डीमन, राक्षस को सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब वो गलत व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है. और डेविल्स एडवोकेट मीन्स अ पर्सन हु सपोर्ट्स रॉन्ग पर्सन, जो गलत व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है वो डेविल्स एडवोकेट है. नेक्स्ट, डॉग डेज. डॉग डेज मीन्स वेरी हॉट डेज, बहुत गर्म दिन, बहुत गर्मी है ना, बहुत जो दिन है वो बहुत गर्म चल रहे हैं, दैट मीन्स वी आर पासिंग थ्रू डॉग डेज. जैसे अभी बहुत गर्म दिन चल रहे हैं, बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट, तो वी आर पासिंग थ्रू डॉग डेज, बहुत गर्मी के दिन हैं. नेक्स्ट, फॉल फ्रॉम ग्रेस. टू लूज रेस्पेक्ट एंड वैल्यू इन अदर्स, अर्थात दूसरे लोगों में अपनी रेस्पेक्ट या वैल्यू खो देना. हम पर लोग विश्वास करते हैं कि हाँ ये ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हम उनके विश्वास को तोड़ दें, अपने पेरेंट्स को विश्वास को तोड़ दें, हम गलत आदतों में पड़ जाएं, हम झूठ बोलने लगें, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे लोगों में अपनी रेस्पेक्ट और वैल्यू खो रहे हैं. हिंदी में ऐसे बोलते हैं नज़र से गिर जाना, है ना.
फॉल फ्रॉम ग्रेस मीन्स नज़र से गिर जाना, किसी की नज़रों से गिर जाना। अगर हम किसी को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, ट्रिक करते हैं, उससे झूठ बोलते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी नज़रों से गिर रहे हैं। वी आर फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस, अपने पेरेंट्स की नज़रों से गिर रहे हैं। वी आर फॉलिंग फ्रॉम द ग्रेस ऑफ अवर पेरेंट्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, फॉल फ्रॉम ग्रेस समझ में आया, किसी की नज़रों से गिरना, फॉल फ्रॉम ग्रेस। नेक्स्ट, मेक अ मिंट, मेक अ मिंट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाना। बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत सारी सोर्सेज होती हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। दे मेक अ मिंट, बहुत पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट, टॉक ऑफ द टाउन, ये फ्रेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कॉमन भी है, आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलती है। टॉक ऑफ द टाउन होता है द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अर्थात चर्चा का विषय। कोई ऐसा इश्यू, पॉइंट, मुद्दा ऐसा चल रहा होता है कि हर व्यक्ति उसी के बारे में ही बातचीत कर रहा है। जैसे अभी COVID-19 चल रहा है, तो सारे व्यक्ति जहाँ भी चले जाओ, ज़्यादातर किसके बारे में बातचीत करते हो, मिलेंगे COVID-19। जो COVID-19 है वो क्या है, टॉक ऑफ द टाउन, चर्चा का विषय बना हुआ है, सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड वेव के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड वेव क्या है, टॉक ऑफ द टाउन, चर्चा का विषय है ना। कोई भी नया नियम आता है, रूल आता है, तो लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो न्यू रूल क्या है, टॉक ऑफ द टाउन, चर्चा का विषय। तो ये आज की फ्रेजेस रहीं, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होंगी। आप अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लोग भी हमसे जुड़ें और हमारा चैनल ग्रो करें, और जो और लोग भी सीख पाएँ फ्रेजेस को इसी तरह से। दिस वे हम और भी वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं हमारी लैंग्वेज के लिए, और फ्रेजेज हैं जो काफ़ी कॉमन हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो मैं एवरीडे अराउंड 10 वर्ड्स और फ्रेजेस मैं अपलोड करूँगा, है ना। तो आप जो अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और लोग भी हमसे जुड़ें और सीखते रहें। थैंक यू सो मच।